नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज के हमारे वीडियो में मुद्दा है सिर्फ आपका ही। जी हाँ, हम अगर आपके मुद्दे की बात करें तो बहुत से लोग जो है व्हाट्सअप कर रहे हैं मुझे, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में भी शिकायत अपने कर रहे हैं कि उनके कुछ समस्याएं हैं, कुछ मुद्दे हैं जो कि हम अपने विषय में दे नहीं पाते। तो हम सोचा कि एक नया स्पेशल वीडियो बनाते हैं जो कि लोगों के मुद्दे इसमें रहे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप हमारे मेंबर बन गए हैं, आपके मुद्दे तो हम उठाएंगे ही। लेकिन आप पहली बार देख रहे हैं, अगर आप जो है लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल का आप एक मेंबर बन जाइए और आपके जो भी समस्याएं होंगी वो हमारी समस्या होगी। आपके जो भी मुद्दे रहेंगे हम अपने वीडियो में उसको जरूर उठाएंगे, तत्ते साहब उसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसका जो है मॉनिटरिंग जो है मंत्रालय तक होती है। ये दावा है हमारा कि हमारा वीडियो का जो मॉनिटरिंग है वो मंत्रालय तक होती है, शासन प्रशासन जो है इसको बराबर देखती है। अगर आपके कुछ मुद्दे रहेंगे और सही भी मुद्दे अच्छे रहेंगे तो उसको जो है उसका निराकरण जरूर होगा। तो सर, सबसे पहला सर वीडियो उठाते हैं, एक हितेंद्र मानिक करके हैं, भिवंडी से हैं। उन्होंने कल हमको व्हाट्सअप किए थे कि भिवंडी क्या महाराष्ट्र में नहीं है, भिवंडी क्या मुंबई के पास नहीं है, क्योंकि इतनी ख़राब रास्ते हैं वहाँ पर कि एक एक किलोमीटर जाने के लिए लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है ट्रैफिक में। खासकर जो बड़ी बड़ी ट्रकें हैं जो वहाँ से जाते हैं उसकी वजह से इतनी ट्रैफिक होते हैं। रोड में इतने खड्ढे हैं जो बारिश के हुए खड्ढे आज भी नहीं बुझ पाए हैं। कई जगह जो है RCC का काम चालू है रोड का, लेकिन जो समस्या है जो है बहुत विकट स्थिति बनी हुई है। मेट्रो काम चालू है सर। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भिवंडी सर मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं हमारे शिंदे साहब, वहाँ से मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर होगा सर। आप बात करते हो मुंबई 3 बनाने की, पनवेल और उसके आगे की। आप मुंबई 3 वहाँ बना रहे हो, लेकिन मुंबई के बाजू में यानी मुंबई से मात्र 5 से 7 किलोमीटर दूर में भिवंडी होगा या 10 किलोमीटर होगा, वहाँ पर जो है क्या वो मुंबई के पास नहीं है इलाका? वहाँ पर लाखों लोग रहते हैं सर, ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं इसी हालत में। अगर आज हमको भिवंडी जाना रहे किसी मुद्दे को लेने कवर करने के लिए तो हम उनको मना कर रहते हैं कि हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाना फिर वहाँ से आना खाने काम नहीं है सर, इतने ट्रैफिक होते हैं और बारिश के दिनों में तो सर सोच भी नहीं सकते कि भिवंडी जाना है कुछ काम के लिए। आखिर भिवंडी में जो लोग रहते हैं उनको तो मुंबई आना ही पड़ता है, उनको ठाणे आना ही पड़ता है, उनके स्कूल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में जाना पड़ता है। कई कई बार तो स्कूल में जाए गए बगैर बच्चे घर पे आ जाते हैं, पहुँच ही नहीं पाते हैं, ऐसी विकट स्थिति है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए, खासकर भिवंडी की तरफ, क्योंकि भिवंडी की शिकायतें बहुत है। वहाँ पर टोल नाके भी हैं, टोल नाके हालांकि बंद है अभी, लेकिन इसका मतलब टोल नाका बंद हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप रोड नहीं बनाओगे या वहाँ की समस्या नहीं सुलझाओगे। सर अब आते हैं मेट्रो की तरफ। मेट्रो का काम जो है शुरू है भिवंडी में भी, बाकी जगहों पर। तो मेरा सरकार से दरख्वास्त यही है कि मेट्रो आप बनाइए, लेकिन मेट्रो बनाने के साथ साथ में जो सड़क, आज के समय में हर किसी को सड़क ही एकमात्र सहारा है जिससे जो है अपनी गंतव्य जगह पर पहुँच सकता है, अपने जॉब पर पहुँच सकता है, बच्चे स्कूल तक पहुँच सकते हैं। सड़क के अलावा कोई दूसरे रास्ता नहीं है, लेकिन सड़क के ये लोग ने सर, मेट्रो वालों ने ऐसी वाट लगा के रखा है, पूरा खोद के रखे, आधे सड़क को उन्होंने कवर कर लिया है, उसको गोडाउन बना दिया है। जो बचे खुचे सड़क है लेफ्ट राइट में, जो फुटपाथ वाली सड़क है, जो उसकी हालत इतनी ख़राब है कि गाड़ियां ऐसे ही चलती हैं, सही समय पहुंच गई तो ठीक है, नहीं तो 2 बार अगर गाड़ी उस तरह से गई तीसरी बार उसको गैरेज में ही जाना पड़ेगा, ये स्थिति है। तो मेरा दरख्वास्त ये है कि अगर आप मेट्रो के लिए जगह कवर कर लिए हो तो जो लेफ्ट राइट में जगह बचे उसको अच्छी तरह बनाइए और रोड को पहले वाइड कीजिए, वैकल्पिक जगह देखिए और दूसरे सड़क का निर्माण कीजिए। सर दूसरी तरफ आते हैं घोड़बंदर रोड का। भिवंडी का हालत तो हम बता ही रहे 5 मिनट से, भिवंडी सटा घोड़बंदर रोड है सर। आज न्यू थाना जो है, जो कॉन्सेप्ट है थाने का, आधे भिवंडी और आधे थाने से घोड़बंदर रोड की तरफ मिला के है, उसको जो है न्यू थाने के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि घोड़बंदर रोड नया विकास हुआ, थाने का नया विकास टोटल घोड़बंदर रोड पे हुआ सर। और आज बड़े बड़े टावर जो है सब कापुर बावड़ी से लेके घोड़बंदर रोड, माजीवाड़ा इस तरफ हो रहे हैं, बड़े बड़े टावर बन रहे हैं सर, लाखों की संख्या में अभी लोग आने वाले हैं। अभी 50% सर बिल्डिंग
अभी पजेशन नहीं दिया गया है, और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से जिस तरह से बिल्डिंगें बन रहे हैं आने वाले 1 या 2 साल में थाने की आबादी इस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि सब बिल्डिंग में सब लोग रहने के लिए आ जाएंगे, उनके लिए जगह नहीं सर, रास्ता नहीं है। आज अगर आपको घुड़बंदर रोड जाना है थाने सिटी से तो कितना बार सोचना पड़ेगा, माझीवाड़ा क्रॉस करना बोलेगा तो सर एक फाटक क्रॉस करने जैसा है, जैसे कि महाभारत में यस, बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, इतने ट्रैफिक जाम होते हैं सिर्फ मेट्रो की वजह से। आज मेट्रो का काम जो तरह से चालू है, एक बार काम शुरू होता है उनका एक एक दो दो साल काम चलता रहता है, उनको फर्स्ट प्राइवेसी मिले कि उसको ख़त्म भी नहीं करते, पहले जगह उनको कवर कर देंगे फिर आपका रोड ख़त्म, एक लेन रोड बचेगा, एक लेन इधर से 10 लेन आएगी, एक लेन से गाड़ियां जाएगी, आखिर कैसे 9 लेन का ट्रैफिक जैम, कैसे जाम हो, कैसे जाएंगे आगे बताइए आप। मुंबई से मंत्रालय से लोगों ने बड़ी आशा से उधर फ्लैट लिए, अभी पछता रहे। आप मंत्रालय से थाना आएंगे आधे घंटे में, क्योंकि फ्री वे है। अब थाने सिटी के अंदर आने के बाद अगर आपको घुड़बंदर रोड जाना है तो 1.5 से 2 घंटा सोचिए, आप 2 घंटे में नासिक पहुंच सकते हो, लेकिन घुड़बंदर रोड पहुंचने के लिए आपको 2 घंटा लग जाएगा, ऐसी स्थिति है। आज एक सर्वे भी आया है सर नवभारत टाइम्स में, मैंने पढ़ा मैंने कि मुंबई के लोग जो है 65% रोड की ट्रैफिक से त्रस्त है, उनको कोई दूसरी समस्या नहीं है मुंबई में, मतलब पानी की समस्या रहती है अलग बात है, बाकी चीज़ों की समस्या अलग बात है, लेकिन 65% लोग सर रोड की ट्रैफिक से त्रस्त है। क्या सरकार इतना दिन तक सोई थी? शिंदे साहब इतना काम कर रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट प्राइवेसी भी जो लेना चाहिए वो क्यों नहीं लेते? सर आपके भी थोड़ा सा इसके ऊपर अपनी इसको मुझे लगता है कि सार्वजनिक वाहन व्यवस्था इफिशिएंट करनी चाहिए। जी जी जी, ताकि लोगों को, बस से जाएंगे तो एक बस में 40 लोग जाते हैं जी, और एक कार में 4 लोग जाते हैं, 4 जाते ही नहीं 2 ही 3 जाते हैं जी, तो बस अगर अवेलेबल हो जाएगी तो लोग सर प्राइवेट कार से नहीं जाएंगे। बस की आप बात करते हैं तो एक हमारे मुंबई और थाने में एक बस लॉन्च, मतलब प्राइवेट बस चल रही है सिटी फ्लो, वो एक ऐप के जरिए जो है आप उसमें बुकिंग करते हो, आप अपने ऑफिस जो है उसमें जा सकते हैं। लेकिन इसको जो है मुद्दे को नागपुर अधिवेशन ने जितेंद्र आवाड़ ने उठाया, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि प्राइवेट बसें आके यहाँ पर धंधा कर रही है, प्राइवेट बसें लोगों को सुविधा दे के अपने यहाँ से ऑफिस ले जा रही है, इसकी वजह से हमारी रॉयल्टी कम हो रही है, यानी सरकारी बसों की रॉयल्टी कम हो रही है। लेकिन सर मैं जितेंद्र रावत जी को कहना चाहूँगा, आप थाने से इतने दिनों से प्रतिनिधि कर रहे हो, आमदार हो यहाँ पे, आप यहाँ के थाने शहर की समस्या देख रहे हो, थाने स्टेशन की समस्या देख रहे हो, आप थाने स्टेशन एक बार जाकर, आप तो एसी गाड़ी में घूमते हो, थाने स्टेशन पे एक बार जाकर देखिए वहाँ पर रिक्शा किस तरह मिलती है, किस तरह वहाँ पर गाड़ियाँ आप खड़ा नहीं कर सकते, ऐसी हालत है। अगर सिटी फ्लो नामक बस अगर चला सकती है कोई, अगर 100 रुपये में यहाँ पर अंधेरी लेके जाती है, तो आप अपनी बस क्यों नहीं चलाते, यहाँ पर सरकारी बसें क्यों नहीं चलाते? लोगों को जब सुविधा नहीं मिलती है तब वो प्राइवेट बसों की तरफ जाते हैं, आज 10-10 रुपये में दूसरी बसें लग जाती है घोड़बंदर रोड पे। आप TMT के बस में अगर 2 स्टाफ भी अगर जाना है तो आपको 13 रुपये देना पड़ता है, वो भी क्या हालत है बसों की देख लीजिए TMT की। अभी इलेक्ट्रिक बसें आई हैं लेकिन कितना दिन चलेगी वो तो आपको भी पता है सर, ज़्यादा 2 साल चलती है यहाँ पर TMT की बसें, उसके बाद 3रे साल में तो भंगार में चली जाती है, ऐसा लगता है कि वो बस कहाँ बंद पड़ेगी मालूम नहीं। लेकिन जो स्थिति बना के रखे हैं सर TMT, आज 1987 से TMT का सेवा यहाँ पर चालू है थाने महानगर पालिका में, लेकिन 1987 सर आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति, आप थाना स्टेशन के बाजू में आपका घर है, आप देखते हैं कितनी हालत है रोड की। इन्होंने एक सेटिस बनाया, वो खाली स्टेशन से आने के लिए डबल करना चाहिए था, वो भी सिंगल वो भी खाली बसों के लिए, वो सरकारी बसों के लिए, आप प्राइवेट गाड़ी उस पर ले जा सकते या बाकी चीजें कर नहीं सकते, आखिर में सेटिस की सुविधा खाली सरकारी बसों के लिए, वो भी खाली आने के लिए, जाने के लिए आपको धक्के खाने भी जाना है। तो आप लोगों ने जो प्लान और डेवलपमेंट किया है आने वाले 50 साल का प्लानिंग होना चाहिए, आपने मतलब करंट ईयर्स का भी प्लानिंग नहीं किया, यानी खाली आप स्टेशन पर उतर के बस पकड़ के आ जाओगे बस उतना ही, उसके बाद कहाँ जाओगे, रास्ते की हालत क्या है सर? आपने दुखती रख पे थाने वालों के हाथ रखा है जी, मगर इसका दूसरा भी एक पहलू है कि लोगों को लोन मिलने के कारण 90% लोग अनाप शनाप गाड़ियां ले रहे हैं जी, जिसकी हैसियत स्कूटर की है वो भी गाड़ी लेता है। सर गाड़ी लेने की शुरुआत कब से हुई? मेरे ख्याल से 2000 से
लोग बड़ी संख्या में गाड़ियां लेने लगे। आरटीओ ने रिपोर्ट दिया कि बड़ी संख्या में लोग गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि लोन इजीली मिल रहा है, सब कुछ सही है। नहीं कुछ मिला 2 लाख में, सर 1 लाख में सेकेंड हैंड गाड़ी मिल जाती है। अगर आपको धक्का खाते हुए जाना है, आपकी जान को जोखिम में डाल के जाना है, उससे 1 लाख गाड़ी खरीद लूंगा मैं, बाइक से जाऊंगा, नहीं तो स्कूटी से जाऊंगा, नहीं तो सेकेंड हैंड कार ले जाऊंगा। सीएनजी आई सर, उसके बाद सीएनजी आई, सीएनजी आने के बाद लोग कितनी गाड़ियां ले रहे हैं, सस्ता होता जा रहा है। लेकिन आपने जो सरकारी सुविधा मतलब जो देना चाहिए यातायात की, आप थाने सिटी में रिंग रेल ला रहे हो कब से, ये मेरे ख्याल टी चंद्रशेखर यहाँ पर थे तो उन्होंने थाने में 30 साल पहले की 30 साल पहले टी चंद्रशेखर ने रिंग रोड का एक परिकल्पना लाया कि रिंग रोड चलेगा तो थाने सिटी की ट्रैफिक सॉल्व हो जाएगी, यानी लोगों को जो बस का वेट करते हैं वो रिंग रेल से जा सकेंगे। लेकिन रिंग रेल के नाम पर करोड़ों रुपया लोग खा गए कि हाँ यहाँ चलेगी, सर्वे खाली पेपर में सर्वे में करोड़ों रुपया खा गए, न रिंग रेल आई न कुछ आई। अभी रिंग मेट्रो आ रही है, रिंग मेट्रो का प्लान बना हुआ है, थाना स्टेशन से अराउंडिंग वागले स्टेट से साकेत से होते हुए कापरौड़ी क्या कहाँ कहाँ से सब है, लेकिन अभी तक वो पेपर में ही दिख रहा है सर। हाँ, और एक वड़ाला से गायमुख तक का जो मेट्रो का काम चालू है वो पूरे थाने सिटी को डिस्टर्ब किया हुआ है इस समय। कापुरवाड़ी से कल्याण का जो मेट्रो भिवंडी से होते हुए जा रहा है वो पूरे भिवंडी को डिस्टर्ब किया हुआ है। मेट्रो बन रहा है नो डाउट, लेकिन कितने साल से बन रहे सर, 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और कितने साल लगेंगे मालूम नहीं। तब तक क्या, आपने रोड खत्म करके मेट्रो को दे दिया पूरा, लेकिन रोड का वैकल्पिक व्यवस्था तो होना चाहिए सर। कुछ आप पेपर में दिखाते हो कि थाने स्टेशन से घुड़बंदर के लिए पर्याय मार्ग जो है एक ये समुद्र के जो खाड़ी किनारे से ले जाने वाले हो, वो सब खाली पेपर में दिख रहा पेपर है, में ये सब तो अपलग शुरू हो जाना चाहिए था ना सर। सर एक तो लोगों की शिकायत तो रहेगी ना सर, लोग तो घर लोग घर खरीदते हैं तो उनको थोड़ी कहा जाता है कि आप घर खरीदे तो रोड भी आप ही बनाओ। मेरे ख्याल से अब आने वाले दिन में कहा जाएगा कि आप हम थोड़ी बोले थे आप यहाँ आग कर लो, हम ये थोड़ी कहे थे आप यहाँ फ्लैट लो, बिल्डर को बोलेंगे कि आज मुंबई सर पूरी खाली हो गई है, आप मानो मत मानो मुंबई खाली हो गई, लोग सस्ता घर लेने के लिए थाना की तरफ आए, थाना से अब कल्याण डोंबिवली तरफ जा रहे हैं। नो डाउट काम हो रहा है, लेकिन जो हिसाब से काम होना चाहिए, जो रास्ते खराब है उसको पहले बनाओ ना। मेट्रो ने अगर काम खोद दिया है तो दूसरे का वैकल्पिक रास्ता बनाओ। अभी मुंबई में आप जाने के लिए अंधेरी से अगर आपको आना है तो एक ही पवई मार्ग एक है, पवई की हालत देख लीजिए मेट्रो की वजह से, जब इनको बनाना था मुलुंड से गोरेगांव का रोड पहले बना लिए होते तब मेट्रो के लिए खोदे होते। आप पर्यायी रास्ता बना के उसके बाद मेट्रो काम शुरू किया करते तो सब काम आसानी से हो जाता था। आपको मुलुंड से गोरेगांव जो लिंक रोड है अगर स्पीड रोड बना दिए होते फ्रीवे तो ये जो पवई वाला रास्ता है कम से कम आधा फ्री हो जाता है और लोगों को दिक्कत नहीं होती। एक सवाल पूछता हूँ ऐसे जी, समाल में मतलब नहीं है खराब कि जो अपने जैसे सामान्य आम आदमी को समझता है जी, क्या ये इतने तज्ञ हैं, इतने करोड़ों 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 के बजट बनाते हैं, इंजीनियर है उसके, नेशनल इंटरनेशनल भी लोग हैं, उनको नहीं ये समझता जो आपको समझते हैं, सब समझता है ना सर, फिर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते अगर उनको समझता है जो आपको समझता है। बिल्कुल, हम तो कॉमन की तरफ से बात कर रहे हैं, उनको नहीं समझता है, ऐसी क्या मजबूरी या प्रॉब्लम है कि वो ये समझते हुए भी ये नहीं करते। अभी देखिए सर जो नहीं, इसका जवाब देना मुझे, क्यों नहीं करते। हम मोदी को सलाह देते हैं जी कि मोदी को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो क्या मोदी को समझता नहीं है वो, फिर भी वो करता है अगर, तो उसके पीछे उसकी सोच होगी कोई कि नहीं होगी, होना चाहिए ना सर, तो इनकी भी होगी कि नहीं होगी, होगी होना चाहिए, तो वो हमको मालूम नहीं करके हम उनको गाली दे रहे हैं, मालूम नहीं है हमको हाँ, करके गाली हाँ, दे रहे हैं हाँ, तो वो गलत है, यही हो रहा है ना सर, तो गलत है ना, यही हो रहा है ना सर, गलत है ना, अगर हमको मालूम नहीं कि उनकी क्या दृष्टिकोण है, क्या आगे चल के वो विजुअलाइज कर रहे हैं, कौन से अड़चन है अगर परे मार्ग के लिए सोचेंगे तो आएगी, वे सब हमको मालूम ही नहीं है। सर आपको मैं बता दूं, दिल्ली में भी मेट्रो शुरू हुई, दिल्ली में मेट्रो सब बन गई, कितने 100 किलोमीटर बनने में टाइम नहीं लगा, सब भूमिगत बनाया उन्होंने रोड ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है। तो यहाँ पर भी सब जैसे जिस तरह से सीप से आगे का जो बना अपना कुलाबा तक का अंडरग्राउंड मेट्रो बना रहे हैं, वैसे बाकी जगह बना रहे, हाईवे क्यों डिस्टर्ब करने के, आज हाईवे को उन्होंने ख़त्म कर दिया मुंबई के हाईवे, ईस्टर्न और वेस्टर्न का कुछ तो मजबूरी होगी सर। ये मुंबई जो है जी वो पानी पे बैठा हुआ शहर है, बिल्कुल
इसमें कहाँ अंदर जाके बाहर निकल सकती है उसकी मर्यादा है। जी मैं अभी न्यूयॉर्क बार बार जाता हूँ, न्यूजर्सी जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, बहुत सारे देशों में जाता हूँ, वहाँ पे भूमिगत रेलवे जो है ना वो सेफ है। अपने यहाँ उतनी सेफ्टी है क्या? अपने यहाँ तो बोगदे अभी पर उत्तराखंड में देखो ना गिर गया, ऐसे अगर गिरने लगे तो अंदर की गाड़ियाँ अंदर लोखा लोगों को लेके मर जाएगी। हाँ तो इसके लिए वो कुछ तो मजबूरी है उनकी। और मुंबई अभी बन गई सर, है मजबूरी नवी मुंबई में मेट्रो लाना आसान है क्योंकि उधर जगह रखी है। नवी मुंबई मुंबई जो है सर, वो बन अगर, गई है। अगर ऐसी बात है तो इनको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए ना सर। तो स्टेप बाय स्टेप सर कैसे बढ़ाया जाए? अभी इतना एक साथ मेट्रो लाने की क्या जरूरत है सर, बताइए सर। मेट्रो का पूरा आपने मेट्रो के नाम पे पूरा रोड खत्म कर दिया सर। ऐसा थोड़ा है कि घाटकोपर से ठाणा आएंगे फिर उतरेंगे सामान्य लोकल में चढ़ेंगे फिर उतरेंगे बस में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। मेट्रो निकली 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 तो आखिर तक ही जानी चाहिए, तो पूरा ही मेट्रो बनाना पड़ेगा ना। आधा बना के क्या लोकल लोकल करके कैसे करेंगे सर? ये बताइए मेरे को, अभी मेट्रो 1 मेट्रो 2 मेट्रो 3 मेट्रो 4 असल में वो चाहते हैं मेट्रो 10 एक साथ करो, वही एक साथ नहीं प्रॉब्लम आएगा नहीं होता है ना सर। अभी एक वो आरे गौड़ी वाला को आपने 4 साल रोक के रखी, अभी उनको यहाँ से क्लियर किया वहां से क्लियर किया, अभी वो सब कंज्यूमर में आ रहा है, पॉलिटिक्स भी है इसमें। और एक साथ 10 किएंगे सर, मेरे को ये बताइए कि कोई भी मेट्रो वर्क हो क्या एक दिन होने वाला है वो? नहीं, सालों साल चलते हैं, 5 साल कम से कम, 5 से 10 साल, 5 साल पकड़ कम से कम। आपने 5 अब 10 मेट्रो का, 10 मेट्रो के लिए आपने पूरा रोड पूरा खोद दिया पूरा, अब वो 10 साल के लिए तो 10 साल आप पीछे चले गए मुंबई। 10 साल खोदा आपने रोड को, रोड तो खुद गई ना सर, गाड़ियां तब तक तो उसी पे जाएगी ना सर। आप भूल गए इसी मुंबई शहर में 35-35 फ्लाईओवर हमने बनाए जी। उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं है क्योंकि गाड़ियां नहीं थी उस समय। नहीं सर, गाड़ियां कम थी, 95 की बात है, 35 जगह मुंबई खोदी थी, 55 जगह, फिर भी गए ना लोग, ये भी जाते हैं अभी। आज भी देखो 1 घंटे के बदले 2 घंटे लगते हैं जाने को, पहुंचते हैं लोग। मेट्रो बनेगी ना तब अगले 50-100 साल के लिए बनेगी, 5 साल आप दिक्कत भुगतेंगे जी, 50 साल आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज तो लोग भुगत रहे हैं सर, तो 5 साल आपके हैं वनवास के, बाद में राम आपको राज्य पे बैठना है, नहीं तो भुगतो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें खराब हो गई है उसको भी दुरुस्ती करना जो है इनका ही काम है, तो करना चाहिए सर। कौन सी खराब है? जो रोड सड़कें खराब हैं सर, बहुत सारे रोड। आप चले जाओ भिवंडी, आप भिवंडी में चले जाइए, उसका जिम्मा किसका? अभी भिवंडी का नाम लिया, अच्छा हो गया सर। भिवंडी में जो ट्रक आते हैं उनमें से एक ट्रक आप वजन करके दिखाइए कि जिसको मर्यादा में, उसकी जो मर्यादा है उसमें उसमें सामान है। 1 टन की मर्यादा है तो 1.5 टन के तो 3.5 टन भरता है। अब वो रास्ता बना 1 टन के लिए, तुम 3.5 टन भरा, इनको रास्ता 5 टन के हिसाब से बनाना चाहिए ना सर, जब उनको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां आने वाली हैं। सर ऐसा सोचते हैं आप, दूसरा भी सोचो ना, गाड़ी जब बनती है तो वो 5 टन के लिए नहीं बनाई जाती, उसका इंजिन के कैपेसिटी के हिसाब से वो 1 टन की होती है, 2 टन की होती है। मगर ये लोग 1 टन की गाड़ी में, जैसे बैल, हम बैलगाड़ी के देखते हैं कि उसके ऊपर ये टांगा, बैठे 5 आदमी, बैठे 10 आदमी, अरे वो आदमी खींचता है, उसमें भी पहले 4-4 बैठते थे सेठ लोग। नहीं सर, वर्क ऑफ क्वालिटी आप चेक करेंगे ना, वर्क ऑफ क्वालिटी सर, वर्क ऑफ क्वालिटी क्यों सफर होती है? 50% लोगों को देना पड़ता है सरकारी। और आपने गौर किया है क्या सर, सिर्फ शहरों में ही ज्यादा रोड खराब होता है? हाईवे पर जाइए, डामर के रोड है इतने खराब नहीं है जितने कि शहर में खराब होते हैं। इसका मतलब क्या? शहर में लोग जानबूझकर गंदा करते हैं? नहीं, वर्क ऑफ क्वालिटी देखो ना। नहीं सर, नहीं नहीं सर, शहर में ब्रेक दबाने का प्रमाण बहुत है, गाड़ियों के टायर जितने बाहर खींचते हैं जिससे ज्यादा बंबई में खींचते हैं। मेरे गाड़ी के टायर मैं बदली करता हूँ। तो ब्रेक क्यों मारते हैं? जब रोड खराब रहेगी तभी ब्रेक मारोगे ना। नहीं सर, अगली गाड़ी वाला है जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है बंबई में, खड्डे का सवाल नहीं, खड्डे बारिश के बाद नहीं होते पर कई बार सर, हमको हम बम्पर टू बम्पर तो मेरा ब्रेक दबता ही जाता है, मेरा पाव ब्रेक पे ही रहता है। आप बोलोगे ब्रेक मारते हैं इसलिए खड्डे पड़ते हैं? हाँ 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 सर, हाँ ब्रेक की वजह से पड़ते हैं, वो उसको खींचता है सर। रोड ऐसे बनाओ कि आखिर गाड़ी चले ब्रेक लगेगा सर, तो उस हिसाब से रोड बनाओ ना सर। सर हाईवे पे, मुंबई पुणे हाईवे पे स्लैब्स है जी, रास्ता नहीं है उसके ऊपर, खाली ये किया उन्होंने सर, वो स्लैब को ये पड़ रहे क्रैक्स, इतने वजन के ट्रक जाते हैं उसके ऊपर। हम भी पालन कहाँ करते हैं जी? नहीं करते ना।
सर हम अपनी गाड़ी लेके निकले तो यहाँ से स्कूटर वाला आपके हिसाब से वाला अब मुद्दे पाते हैं आपके हिसाब से जिस तरह से भिवंडी की हालत है जिस तरह से घोड़बंदर की हालत है जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? सर मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ अमेरिका में और न्यूयॉर्क में मेरा काम होता है जी दिन भर घूमने का वगैरह। तो न्यू जर्सी से मैं लिंकन टनल से इधर जाता हूँ न्यूयॉर्क में जी। सर लिंकन टनल के ये साइड में न्यू जर्सी से मैं जब लाइन में खड़ा रहता हूँ उसके बाद एक या डेढ़ घंटे के बाद लिंकन टनल से निकल के मैं न्यूयॉर्क में जाता हूँ। फिर न्यूयॉर्क का ये सब करते करते जहाँ पे रात को मैं गया हूँ सर तो 25 मिनट पहुंचा, दिन में ढाई घंटे से 3 घंटे लगते हैं मुझे। आज न्यूयॉर्क में गाड़ी लेके चलना मुश्किल है, मुश्किल है। वॉशिंगटन में मुश्किल है, शिकागो में मुश्किल है, लेकिन वहां पर रोड सड़कें ऐसी हैं जिस तरह से सड़कें क्या है, एयरपोर्ट है वो, फिर भी वो होता है ना, एयरपोर्ट जैसी सड़कें होने के बावजूद ट्रैफिक जाम वही है, ट्रैफिक जाम वही है, दो ढाई घंटा हमको रुकना है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक की संख्या, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम सिर्फ खड्डों की वजह से नहीं है सर। मैं आपको चैलेंज देता हूँ अभी, आज तो क्या है ना, अभी अभी अलग है, अभी हो जाने दो जी, ट्रैफिक के खड्डे बिटे ठीक होने जा दो, उसके बाद भी आप ट्रैफिक जाम ही देखेंगे। ट्रैफिक जाम का कारण क्या है बताता हूँ आपको, ओवरलोड ना 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 ना, इधर 6 लेन आगे चल के कुछ ना कुछ अतिक्रमण रहेगा उसकी वजह से 2 लेन हो जाएगी, तो अभी ये तो पूरा ट्रैफिक जाम होगा ही ना। अतिक्रमण वो मेट्रो की जो है उसके बावजूद, मेट्रो नहीं बोल रहा मैं, दूसरे भी है, दूसरे कारणों की वजह से सर वो पहले से ही है जी। अभी ऐसा है ना, हरामी सरकार भी ऐसी है कि आपने ये बीच में अगर एक ये रास्ता है इधर अगर कोई घर है जी तो उसको आपको पर्याय जगह देनी चाहिए, वो देने में हिचकिचाते हैं। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ सर, देते नहीं है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठाणे में एक कोलसित रोड जाता है, कापुरवाड़ी से कोलसित रोड जाता है, वहां पर नंदी बाबा मंदिर है, एक बीरा माता मंदिर है, वहां पर रोड वाइंडिंग का काम शुरू हुआ 3 साल पहले, रोड वाइंडिंग का काम शुरू हुआ, आधे दुकान तोड़े गए, आधे घर तोड़े गए, अब जो मेन मेन जहाँ जहाँ तोड़ना चाहिए वहाँ पर वो लोग ने स्टे लेके आ गए, क्यों कि हमको यहीं पर घर चाहिए, यहीं पर दुकान चाहिए। अब भाई जिसका तोड़ दिया उनका क्या, वो लोग नहीं जीत किए, तोड़ दिए, अब जो है जो लोग ने कोर्ट में गए स्टे लेके आए, अब काम रुक गया वहाँ पर। सर कोर्ट ने स्टे क्यों दिया, वही तो ना सर प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, तो वहाँ भी कुछ है गड़बड़ है कि ये सब चीज जब तक सॉल्व नहीं होगी सर। सर एक दूसरे से ये पहलू जुड़े हुए हैं, कोर्ट स्टे क्यों देती है, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए तो वो देती है, आया कि स्टे। सर अभी मैं ज्यादा दूर की बात क्यों बताऊं, ये बिल्डिंग है जी, इसको 5 माले की परमिशन, पैराडाइज हाइट जहां मैं रहता हूं 5 माले की परमिशन है, हम 22वें माले पे हैं, 20 माले डुप्लेक्स के हैं, नीचे बिल्डिंग के पेट में 2 माले हैं, 22 माले पे हैं, इसका स्टे लिया हुआ है 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से, ना कभी म्युनिसिपैलिटी इसमें गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 40 साल से इनका स्टे है, ना हम गए 40 साल से बिल्डिंग जहां है वहां है, 40 साल में स्टे नहीं उठाए गए, मेरी तैयारी है कल तोड़ो बिल्डिंग मैं निकल जाऊंगा यहां से, मेरी तैयारी है, मतलब 40 साल हो गया 20 साल और के बाद जो है खतरनाक घोषित करके 1985 अपने अधिकृत किए ना सब बिल्डिंग, तो ये भी ऑटोमेटिकली अधिकृत हो गई, हो गई फिर अभी कैसे तोड़ेंगे। तो हम कुल मिला के यही कह सकते हैं, मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि मेट्रो ठीक है बनाना चाहिए था, बन रहा है, लेकिन सर मेट्रो नहीं थी तब क्या ट्रैफिक जैम नहीं था, लेकिन सवाल ये उठा कि मेट्रो नहीं थी ट्रैफिक जैम नहीं था, था ना सर इतना नहीं था तो सर, अरे छोड़ो हम लोग तुमसे ज्यादा, मैं बंबई उस समय जाता था, तो बंबई में जाते समय ट्रैफिक जाम से हम बताइए, उस समय टोल था सर, उस समय टोल था, टोल आज नहीं है, नहीं टोल आज है, उसके समय जकात थी जी, ऑक्ट्राय के लिए सर इससे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता था, हम उस समय बोलते थे ऑक्ट्राय निकल जाए तो रास्ता साफ होगा, ऑक्ट्राय निकल गया रास्ता साफ नहीं हुआ, अब बोलते हैं टोल निकल गया रास्ता साफ होगा, नहीं होगा, ट्रैफिक बढ़ गया है ना सर और बढ़ते ही जा रहा है सर। हमारे बचपन में एक स्कूल में एक लड़का सब है, एक लाख जवाब दे दीजिए भैया को, आज मेट्रो 1 से लेकर 10, 11, 12 तक बन रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिन में ये तो बन ही जाएगा सर, आने वाले 5 साल में तो बन ही जाएगा, तो आपको लगता है सर कि जिस तरह से गाड़ियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से बाकी चीजें हो रही हैं, तो क्या मेट्रो बन जाने के बाद लोगों की समस्या सुलझ जाएगी? हाँ, बिल्कुल नहीं, और 10 गुना बढ़ जाएगी। हाँ नहीं नहीं, मेट्रो से जाने वाले मेट्रो से जाएंगे, आप मेट्रो में जाएंगे? नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा? नहीं जाएंगे। मैं तो सर साधा लोकल में 35 साल में बैठा नहीं हूँ, गाड़ी से जाता हूँ जी, और जहाँ पे प्लेन नहीं जाता वहां मैं जाता नहीं हूँ, खाली एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर से ही जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता हूँ।
तो वही बोल रहा हूँ सर, तो हम लोगों को लिए मेट्रो थोड़ी है, मेट्रो मिडिल क्लास की। वही बोल रहा हूँ सर, क्या मामला मतलब सुलट जाएगा? नहीं, क्या मेट्रो से स्कूल बस के बच्चे जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो तो बोलेंगे ना कि मेट्रो की वजह से हमको स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ। मेट्रो ने पूरा जगह कवर कर लिया है, रोड छोटा कर दिया है। और तो यही हमारा कहना है, सवाल है। मुझे मालूम नहीं था जी, मैं मेट्रो में गया भी नहीं कभी, मगर मैं कुर्ला साके नाका से जाता हूँ तो ऊपर से मेट्रो जाती हुई मुझे दिखती है। सही, जितनी गर्दी ये गाड़ी में है उतनी गर्दी ये गाड़ी में है। मेट्रो में मैं तो जाता हूँ ना कभी कभी सर, घाट के ऊपर से अंधेरी जाता हूँ तो लाइन लगा के चढ़ना पड़ता है, वो अलग बात है। पूरी भीड़ है, दरवाजा अगर बंद नहीं रहता दो चार नीचे गिर जाए। हाँ ना, नहीं नहीं मेट्रो होने से कुछ फर्क नहीं होगा, मेट्रो और पूरे भारत में फैलेगी, कुछ उससे कुछ नहीं होने वाला सर। सर ये ऐसे जीना है अपने को, अपने और दुनिया भर में ट्रैफिक जाम है जी, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं। अमेरिका में इतना ट्रैफिक जाम है सर, मेरा जमाई न्यूयॉर्क में काम करता है, न्यूजर्सी में लोग रहते हैं, 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, 2 घंटे आना पड़ता है। वो बोला इंडिया में भी ऐसी हालत है, पुणे में भी अभी ऐसी हालत है। पुणे का तो मुंबई से भी बदतर बेकार हालत है। और बाहर का आप अभी मुंबई में थाना सबसे अच्छा है, आप मुलुंड या बोरीवली में जाओ ट्रैफिक का क्या हाल। अंधेरी, अंधेरी देखो, अंधेरी में तो पागल हो जाता है आदमी, अंधेरी मतलब जाना एकदम पागल होता है। मैं तो अभी बाहर जाना सब ऑनलाइन और वीडियो फोन, मुझे कोई फोन करता है मैं बोलता हूँ वीडियो फोन पे हूँ, बस सादे फोन पे बोलो मत, मिलने की जरूरत ही नहीं तुमको, वीडियो फोन पे बात करो। ठीक है सर, हम तो लोगों के मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के मुद्दा मतलब हमारा मुद्दा है, हम उस हिसाब से चर्चा कर रहे थे। हम शासन प्रशासन से ही दरखास्त करते हैं कि जो बरसात के दिनों में खड्डे हो चुके हैं आपको ऐसा लग जाए। श्रीकांत शिंदे इतना प्यारा आदमी है और उनके मन में थाना के प्रति कितनी भावना है, अगर उनकी बस चले तो थाना को वो स्वर्ग बना दे जी, वो बनाने की चाहते हैं, मगर बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा सर? मर्यादा है, म्यूनसिपालिटी उनकी है, जिला परिषद उनकी है, पुलिस उनका है, प्रशासन उनका है, PWD उनका है, फिर भी वो थाना को न्याय नहीं दे पाते, वो भी अटक जाते हैं, वो भी अटक जाते हैं, उनके लिए क्लियर करते 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 हैं मगर अटक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, लोगों की समस्याएं हैं जो कि हमारी समस्या है, हमारा काम यही है कि हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, जो भिवंडी है, जो घोड़बंदर रोड है, जो ऐसे से जो ट्रैफिक जाम के जो चीज़ें हैं, जैसे मुंबई के हैं अंधेरी, अंधेरी से लेके जो JBLR जो जंक्शन है, ये सब की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर मुद्दा उठाना था हमको, तो हम इसी चर्चा कर रहे थे और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में सब जो मामले हैं सुलझ जाए। सर एक छोटा सा खुलासा मैंने ऑलरेडी आपके यहाँ भी किया है मराठी में, अभी आज मराठी वीडियो कैमरामैन नहीं आने के कारण बने नहीं है, वो मनोज जरांगे के बारे में मैंने बोला था कि इसको राम जन्मभूमि समारोह का अपशकुन मत करो, तो उनके कुछ मित्रों ने मुझे बोला कि सर वो अपशकुन नहीं करना चाहते और अपशकुन शब्द भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दिलगिरी व्यक्त करके ये बोलिए कि भाई वो नहीं भी, और वो नहीं भी कर रहे हैं, अभी 20 तारीख को निकल रहे हैं यहाँ से, 26 को जाने वाले हैं, तो अपशकुन का विषय नहीं है, तो जिनके ये आहत हुए होंगे मन उनकी, मैं क्या अपने ही लोग हैं ना, तुम कहाँ पर के हो, तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ उस मामले में, और ये मामला अभी समाप्त था। धन्यवाद। धन्यवाद सर, तो बने रहिए, आपके मुद्दे जो है जो भी रहेंगे, आप इलाके के मुद्दे जो है हमें अपने कमेंट बॉक्स पे या हमारे व्हाट्सएप पे भेजते रहिए, हम उसको चर्चा में जरूर लेंगे और आपकी शिकायतें दूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।